नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और रुख करते हैं अगली खबर का। पार्टी के पदाधिकारियों ने नहीं भरा बैंक का कर्ज और अब किसानों से कर रहे हैं वसूली। गंजवासोदा त्योंदा से ये खबर हमारे पास आ रही है। जी हां, गंजवासोदा के त्योंदा तहसील मुख्यालय पर रविवार को जिला सहकारी बैंक शाखा के नवीन भवन का लोकार्पण हुआ, जिसमें प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और क्षेत्रीय सांसद रमाकांत भार्गव, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा, क्षेत्रीय विधायक लीना जैन सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। भाजपा का यह कार्यक्रम नियमों को धता बताते हुए विद्युत की तारों पर डालकर आयोजित हुआ। कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों को बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिली तो स्कूल की छतों पर बैठकर लोगों को कार्यक्रम सुनना पड़ा। वहीं भाजपा के ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने जिला सहकारी बैंक से लोन तो ले लिया है, लेकिन आज तक एक भी किस्त जमा नहीं की है। जानकारी के अनुसार जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष की पत्नी के नाम पर भी लाखों रुपए का लोन बताया जा रहा है। वहीं भाजपा के एक नेता ने भी करीब 5 लाख रुपए का लोन जिला सहकारी बैंक से लिया है। और भी अन्य नेताओं ने बैंक से अपनी ज़रूरत के लिए लोन लिया है, लेकिन एक भी किस्त बैंक में आज तक जमा नहीं की है। बैंक अब किसानों से नेताओं का पैसा वसूल करने की तैयारी कर रहा है। त्योंदा से मोनू पटेल के साथ सचिन शर्मा की एक रिपोर्ट। सर, कुछ लोग आपके साथ में जो उद्घाटन में कुछ डिफाइडर लोग भी थे उसमें, जिन पहले बैंक से लोन ले रखा है 5 सालों, अभी तक तो कुछ दिया ही नहीं है। सर, तो अभी तक आपने क्या किया उनके साथ में? यहाँ उद्घाटन में रहे वो, तो आपके साथ में ही रहे सर। आप नहीं लगता है किसानों के साथ धोखा हो रहा है क्या? खुद अपनी जेब भर रहे हैं और इसके बाद जो है किसानों का पैसा भरवा रहे हैं, सर आप नहीं लगता है ऐसा क्या? बैंक ने उनको नियमानुसार ऋण दिया है, उनकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, अगर वो जमा नहीं करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी से वसूली की जाएगी, किसानों का पैसा है वो किसानों को मिलेगा। देखिए, ये मोदी जी की सरकार है और मोदी जी ने ये तय किया था कि संसद के कामकाज में सांसदों को गहरी रुचि लेनी चाहिए और दिल्ली से बाहर नहीं जाना चाहिए। संसद का सत्र चलने के कारण उन्होंने तन्मयता के साथ संसद के सत्र में भाग लिया और अब जनता के बीच जगह जगह घूम रहे हैं। और जनता को संदेश क्या, जनता ने आज मुझे जगह जगह बताया है, विशेषकर सोयाबीन की फसल खराब हुई है। हम लोगों ने आज तय किया कि गंजवासोदा जाके हम वहाँ ज्ञापन देंगे और मुख्यमंत्री जी से ये मांग करेंगे कि तत्काल फसलों का सर्वे शुरू किया जाए और सर्वे करके मुआवजा और राहत देने की किसान को व्यवस्था की जाए।